युगों से जिस पर धूल पड़ी है, इतिहास की अमिट वो गाथा हूँ। महाभारत के उस सम्रांगण से दो वीरों की कथा सुनाता हूँ। अश्विनी कुमार के अंत से जन्मे दो पांडव पुत्र निराले थे। मनमोहकता लिए नकुल पूरे भारतवर्ष का अभिमान था। किंतु सहदेव के पास भी घुड़सवारी और आयुर्वेद का ज्ञान था। महासमर की उस बेला में नकुल अपने पराक्रम के प्रहार से पावस की हर बूंद छिद्रित कर देता था। अपनी शमशीर के प्रहार से बहुमुखी प्रतिभा के धनी सहदेव करते सबसे मित्रता का व्यवहार थे। अरे लहू भरे उस सम्रांगण में भी शत्रुओं का करते उपचार थे। जब पांच गांव ना दिए भ्रात ने तो विनाश के बादल गिर आए थे। भविष्य का रुद्र तांडव देखने वाले सहदेव त्रिकालदर्शी कहलाए थे। अरे सौतेले होकर भी दोनों ने सबों से बढ़कर धर्म निभाया था। जब पार्थ संग धर्मराज भीमसेन की सेवा में समय बिताया था। जब 15वें दिन के द्वंद में दुशासन सहदेव के सम्मुख आया था। अरे भीमसेन की प्रतिज्ञा के खातिर न जाने कितनी ही बार उसे बचाया था। हाँ अंगराज से नकुल सहदेव कितनी ही बार तो हारे थे, पर ज्येष्ठ से मिली वो हार नहीं प्रसन्नता के अंगारे थे। महाभारत का 18वां दिन सब कौरवों पर हावी था। जब नकुल मामा शल्य पर और सहदेव शकुनी पर हावी था। त्रेता युग के भरत शत्रुघ्न और द्वापर युग के ग्रंथिक और तंतीपाल है। अरे कलयुग में तुम झांक कर देखो, अब भी न जाने ऐसे कितने भाई विराजमान है। गीता भी यही सिखाती है कि भाइयों से जो दगा करेगा, सोतेला हो या सगा करेगा, अनजान सबका आना है। सत्य का ये प्रमाण है, सत्य को सबने पहचाना है। गीता का जब ज्ञान भुलाकर मानवता सदा हारी है, इसलिए आज भी घर घर में महाभारत जारी है।